गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तथा इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज के इस वीडियो में हम 26 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डायरेक्टेड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, के सिवान। डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डायरेक्टेड उपाधि से के सिवान को सम्मानित किया गया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस देश ने चांग E5 चंद्रमा मिशन का सफल परीक्षण किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। चीन देश ने चांग E5 चंद्रमा मिशन का सफल परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, चीन ने चांद की सतह से नमूने एकत्रित करने के लिए चंद्रमा मिशन चांग E5 का सफल परीक्षण किया है। चंद्रमा की सतह पर खुदरी करके यह नमूने को लेकर पृथ्वी पर आएगा। इस मिशन को चीन की स्पेस एजेंसी CNSA ने लॉन्च किया है। CNSA इसका फुल फॉर्म जाएगा चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। CNSA चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है, जैसे भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है। इसकी स्थापना हुई थी 22 अप्रैल 1993 में। मुख्यालय चीन बीजिंग में है। अध्यक्ष झांग केजियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेग बार्कले। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष ग्रेग बार्कले नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेग बार्कले ICC के नए चेयरमैन होंगे। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड क्रिकेट के 2012 के प्रमुख है। ग्रेग बार्कले शशांक मनोहर की जगह लेंगे। ICC विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है। ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 15 जून 1919 में हुई थी। मुख्यालय दुबई में है। CEO मनु सहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने APEC शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मलेशिया। मलेशिया देश ने APEC शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता की है। APEC इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इकोनॉमिक कॉरपोरेशन लीडर्स की बैठक मलेशिया प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासिन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। इसके साथ ही विश्व की अर्थव्यवस्था में स्थिरता और सतत विकास के लिए नई नीतियां बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कतर। कतर देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस फुटबॉल टूर्नामेंट में 22 टीमें हिस्सा लेंगी और इसका आयोजन दिसंबर 2021 में कतर देश में किया जाएगा। फीफा के बारे में जानकारी, इस फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। अध्यक्ष जियोनी इन्फेंटिनो है। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में स्थित है। कतर देश के बारे में जानकारी, कतर एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी दोहा, करेंसी कतरी रियल, प्रधानमंत्री शेख खलीद बिन जायद बिन अब्दुल अजीज अल थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के खिलाफ 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप की जर्सी पहनकर टीम इंडिया मैच खेलेगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाफ 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप की जर्सी पहनकर टीम इंडिया मैच खेलेगी। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस जर्सी का रंग नेवी ब्लू है। भारतीय क्रिकेट टीम 80 के दशक में इसी तरह की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरती थी। 1992 वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया इसी तरह की जर्सी में नजर आई थी। BCCI का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। अध्यक्ष सौरभ गांगुली, मुख्यालय मुंबई में है। सचिव जय शाह, उपाध्यक्ष महिम वर्मा, पुरुष
क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री, महिला क्रिकेट टीम की कोच WV रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजोन की आपत्ति के बाद रिलायंस फ्यूचर ग्रुप सौदे पर लगी रोक को अब किसने भारत में इस सौदे को हरी झंडी दे दी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी CII। CII का फुल फॉर्म कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 में, अध्यक्ष अशोक गुप्ता, सेक्रेटरी PK गुप्ता, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मेटिक कंपनी लॉरियल पेरिस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गेम्मा चन। कॉस्मेटिक कंपनी लॉरियल पेरिस के नए ब्रांड एम्बेसडर गेम्मा चन बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेम्मा चन इंग्लैंड की अभिनेत्री हैं, लॉरियल पेरिस फ्रांस की कॉस्मेटिक कंपनी है, इसका मुख्यालय कलीची फ्रांस में स्थित है, स्थापना 30 जुलाई 1909 में हुई थी, सीईओ जीन पॉल अगोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान देशों के लिए किसे अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को आसियान देशों के लिए अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को, मुख्यालय जकार्ता में है, अध्यक्ष ली सिन लुंग है, महासचिव लिम जे खाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल गुड्स ब्रांड गौरव के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेरी कॉम। इलेक्ट्रिकल गुड्स ब्रांड गौरव के नए ब्रांड एम्बेसडर मेरी कॉम बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, गौरव कंपनी फास्ट मूविंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है, जैसे पंखे, स्विच, कार आदि। मेरी कॉम भारतीय मुक्केबाज और राज्यसभा की प्रमुख सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 24 नवंबर। गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस 24 नवंबर को मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर साल 24 नवंबर को सिखों के नौवे गुरु तेग बहादुर के बलिदान की याद में शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर ने 24 नवंबर 1675 को धर्म, मानवीय मूल्य, आदेश और सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान किया था। नवंबर महीने में कुछ इंपोर्टेंस डे हैं जिनको आपको रिवीजन करा दे रहा हूं, देख लीजिए उनको। 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को ही कर्नाटक दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को केरल दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को पंजाब दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे बोलते हैं, 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 7 नवंबर को महान अक्टूबर क्रांति दिवस मनाया जाता है, 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस मनाया जाता है, 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाया जाता है, 10 नवंबर को मलाला दिवस मनाया जाता है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस मनाया जाता है, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, ये सलीम अली के जन्मदिन पर मनाया जाता है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, 17 नवंबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस मनाया जाता है, 20 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, 21 नवंबर को विश्व दूरदर्शन दिवस मनाया जाता है, 21 नवंबर को यूनेस्को में दर्शन शास्त्र दिवस मनाया जाता है, 23 नवंबर को सत्य साई बाबा जयंती मनाई जाती है, 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस मनाया जाता है, 24 नवंबर को राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस मनाया जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल कैडेट कोर डे, इसको शॉर्ट फॉर्म है NCC। 25 नवंबर को विश्व मांसाहार रहित दिवस मनाया,
26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है, 28 नवंबर को एनसीसी स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपके लिए प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इंडिया बुल्स फाइनेंस ने किसे अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।